एक व्यूअर ने कमेंट बॉक्स में पूछा है कि माइट एज वेल या मे एज वेल क्या है, यानी स्पोकन इंग्लिश में हमें कब बोलना चाहिए माइट एज वेल या मे एज वेल। तो आइए फ्रेंड्स उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। कई बार आपको अपनी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना पड़ता है जहां आप कहते हैं क्यों ना, जैसे अक्सर जब रात में आप सोते हैं तो कई बार आपको नींद नहीं आती है और आप कहते हैं क्यों नहीं होमवर्क पूरा कर लूं या क्यों ना एक गेम खेल लूं। तो फ्रेंड्स मैंने अपने सेंटेंस बोला क्यों ना, तो इसी बात को जाहिर करने के लिए इंग्लिश में कहते हैं माइट एज वेल या मे एज वेल। कई बार आपके साथ ऐसा होता है कि आप रेलवे स्टेशन पर होते हैं और किसी ट्रेन का इंतजार करते हैं, चूंकि ट्रेन लेट होती है तो आप सोचते हैं क्यों ना एक कप चाय पी लूं। तो यहाँ आपके सेंटेंस में आया क्यों ना, इसके लिए कहेंगे माइट एज वेल या मे एज वेल। लगता है आप ठीक से समझे नहीं, आइए कुछ एग्जांपल्स देखें ताकि आप इस बात को शानदार तरीके से समझ सके। मान लीजिए अगर आपको कहना हो क्यों ना होमवर्क कर लूं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई मे एज वेल डू होमवर्क, यानी क्यों ना होमवर्क कर लूं। यहाँ वर्ड क्यों ना के लिए मैंने बोला मे एज वेल। मान लीजिए आप सो रहे हो और आपको नींद नहीं आ रही है, तो अगर आप कहें क्यों ना गेम खेल लूं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई मे एज वेल प्ले गेम, यानी क्यों ना गेम खेल लूं। कल मैं बाल कटवाने हजाम की दुकान पर गया था, लेकिन मेरा नंबर 1 घंटे के बाद था, तो मैंने सोचा क्यों ना कमेंट्स का रिप्लाई कर दूं। तो यहाँ मेरे दिल में आया ये सेंटेंस क्यों ना कमेंट्स का रिप्लाई कर दूं, को बोलने के लिए आप कहेंगे आई मे एज वेल रिप्लाई कमेंट्स, यानी क्यों ना कमेंट्स का रिप्लाई कर दूं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपने इस बात को समझा कि मे एज वेल या माइट एज वेल का मतलब होता है क्यों ना। हो सकता है कि आप यहाँ सोच रहे हो कि कोई भी एग्जांपल्स मैंने माइट एज वेल का नहीं दिया, और हो सकता है कि आप ये भी सोच रहे हो कि क्या इन दोनों में कोई फर्क है। तो फ्रेंड्स मैं आपसे कहूंगा हाँ, इन दोनों में एक छोटा सा फर्क है। मे एज वेल का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम अपनी बातों को पूरे यकीन के साथ बोलें, वही दूसरी तरफ हम माइट एज वेल का यूज तब करते हैं जब हमारे बात में हेजिटेशन हो, यानी हिचकिचाहट हो, हम अपनी बात को पूरी कॉन्फिडेंस से ना बोल पाएं। आइए कुछ एग्जांपल्स माइट एज वेल पर भी देख ले ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर आपको कहना हो शायद ठंडी के मौसम में मुझे एक ओवरकोट की जरूरत होगी, तो क्यों ना इसे अभी खरीद लूं? तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई विल प्रोबेबली नीड अ ओवरकोट इन विंटर सीजन, सो आई माइट एज वेल बाय टुडे, यानी मुझे ठंडी के मौसम में एक ओवरकोट की जरूरत पड़ेगी, तो क्यों नहीं इसे अभी खरीद लूं। फ्रेंड्स इस सेंटेंस में मैंने बोला माइट एज वेल क्योंकि मेरे सेंटेंस में हेजिटेशन है, यानी ये बात मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकता हूँ कि ठंडी के मौसम में मुझे ओवरकोट की जरूरत पड़ेगी ही। हो सकता है कि इस साल कम ठंडी पड़े और मुझे ओवरकोट की जरूरत न हो। तो चूंकि ये सेंटेंस कॉन्फिडेंस से नहीं बोला गया, इसलिए आप मे की जगह पर माइट का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको कहना हो शायद कल मेरे पास टाइम नहीं रहेगा, तो क्यों ना आज ही काम पूरा कर लूं? तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई विल प्रोबेबली हैव नो टाइम टुमारो, सो आई माइट एज वेल फिनिश इट टुडे, यानी शायद कल मेरे पास टाइम नहीं होगा, तो क्यों ना इसे आज ही पूरा कर लूं? क्योंकि यहाँ मेरे सेंटेंस में हेजिटेशन है, यानी इस सेंटेंस को मैंने कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोला। हो सकता है कि कल मेरे पास टाइम हो और नहीं भी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपने इस बात को शानदार तरीके से सीखा कि जब कभी भी आप अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं जहाँ आप कहते हैं क्यों ना, तो वहाँ पर आप माइट एज वेल या मे एज वेल का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंस को बोलेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ करके दिखाया। तो फ्रेंड्स अगर वाकई आपको यह कॉन्सेप्ट शानदार तरीके से समझ में आया, तो क्या इस टॉपिक पर कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मैं चेक करके बता सकूं कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।